अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसको दोस्तों यूज़ करने के बाद आप लोग ऐसी पिक्चर्स बना पाएंगे जैसा कि देखने में लगेगा कि आपने रेत के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। एक एप्लीकेशन दोस्तों जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने इसको यूज़ करना है और जब आप इस पर तस्वीर बना लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रेत के ऊपर आपने अपना नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इस एप्लीकेशन का आइकॉन और इस एप्लीकेशन का नाम है सैंड ड्रॉ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने करना है इसको डाउनलोड, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इसको करना है ओपन। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। तो जैसे दोस्तों ओपन हो जाएगी, तो जैसे दोस्तों ये ओपन होगी तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिल रहा है रेगुलर और क्रिस्पी और स्मूथ, ये तीन मतलब आपको तीन तरह की रेत आपको देखने को मिल रही होंगी जो कि फ्री में है। और बाकी जो लॉक है उनको दोस्तों आप लोग अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ रेगुलर पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ से रेगुलर पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों कोई ऐड आ जाए आपके सामने तो आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ऐड आ गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि सिर्फ रेत आपको नजर आ रही है। तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रश का आइकॉन नजर आएगा, इस पे क्लिक कर देना है आपने। ब्रश के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो मतलब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बनता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे बनता जाएगा। अगर दोस्तों आपको मिस्टेक से अगर कोई चीज आपने नहीं ड्रॉ करनी थी, गलती से होती है, तो आप ब्रश के नीचे वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस पे आइकॉन पे क्लिक करते जाएंगे तो सारा कुछ जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं अपना नाम लिख के दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है। इस तरह दोस्तों आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको मैं भी अपना नाम लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नुमान गुजर। तो थोड़ा सा मैंने जो है वो बैड हैंड राइटिंग में लिखा है क्योंकि यार ये स्क्रीन है, इसलिए मैंने तो कोशिश की है कि अच्छा लिख सकूँ। तो यहाँ पे जितना मुझे लिखा गया मैंने लिख दिया है। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है नीचे फोन नंबर पे, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने ब्रश का जो है साइज वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं जैसे कि फ्लावर वगैरह, तो आप लोग फ्लावर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद दोस्तों कहीं भी आप लोग क्लिक कर देंगे जहां पर आप चाहते हैं कि मैं यहां पे फ्लावर ऐड कर दूं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एक आप देख सकते हैं कि इस तरह से फ्लावर ऐड हो गया। उसके अलावा इसको आप जूम करना चाहते हैं तो नीचे प्लस के भी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होता जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये माइनस होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आप लोग अपना यहाँ पे कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं फोटो में। तो यहाँ पर एक फूल मैंने जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद आइसक्रीम वाले या ऑप्शन पे आऊंगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जो लॉक है उनको दोस्तों आप यूज नहीं कर सकते, बाकी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं एक ये लगा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों दोबारा वापस मैं जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ हेल और स्टार फिश देखने को मिलेंगी, आप लोग कोई भी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पत्थर वगैरह भी मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पे मेल और फीमेल कैरेक्टर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डॉलर जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डॉलर्स कुछ ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आप लोगों ने इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे एंड पे ये जो छोटा सा बटन नजर आ रहा है शेयर का, इस पर क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीनशॉट इसका ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अब आपको तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी, तो सेव के बटन पे क्लिक कर दें आप। जैसे दोस्तों आप लोग सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, योर ड्राइंग वाज सेव टू गैलरी। ओके कर दें, उसके बाद दोस्तों इसको बैक कर दें तो ये सारा कुछ हो गया। अब दोस्तों अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, वेव के बटन पे, तो ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा पानी की लहर आई और हर चीज़ बहा के ले गई। और अभी दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ का बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अगर क्लिक करेंगे गैलरी वाले बटन पे, ठीक है, तो आपकी कोई भी अगर कोई तस्वीर आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो तस्वीर भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कैमरा ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी एक तस्वीर यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से मैं दोस्तों अपनी एक तस्वीर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अपनी तस्वीर को ऐड कर लिया, तो अभी दोस्तों यहाँ पर मेरी तस्वीर जो है वो ओपन हो जाएगी। मैंने एक तस्वीर पर क्लिक किया, अब आपको दोस्तों सिर्फ फेस की तस्वीर जो है वो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। यहाँ से मैं अपने चेहरे की तस्वीर जो है वो रख लेता हूँ, तो अपनी फोटो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा जो है वो इस सर्कल में पूरा फिट आ चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक तस्वीर, मेरी जो तस्वीर थी वो यहाँ पर दोस्तों ड्रॉ हो चुकी है और रेत के ऊपर दोस्तों मेरी तस्वीर भी बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अगर आपकी कोई भी तस्वीर आप लगाना चाहते हैं तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप लोग इस तरह से अपना नाम वगैरह लिखकर तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एप्लीकेशन जो कि आपको मैंने बतानी थी, बहुत ही अच्छी मतलब मुझे लगी, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।